हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्मी का मौसम आ चुका है और गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है इंसेक्ट्स की, यानी कई तरह के कीड़े मकोड़े, मच्छर, छिपकली, खटमल, ये सब परेशान करते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही असरदार नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ जो मैं खुद 15 दिन से अपने घर में यूज कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे इसका मिला है। आज जो मैं तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल नेचुरल तरीका है, घर पर ही अवेलेबल इंग्रेडिएंट से आप इसको बना सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है इस समय और बाहर से सभी तरह का सामान मिलना पॉसिबल नहीं है, तो घर पर ही अवेलेबल इंग्रेडिएंट से हम नुस्खे को तैयार करेंगे और ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। इससे ना सिर्फ आपको मच्छरों से छुटकारा मिलेगा बल्कि दीवारों पर बल्कि आपके घर में लाल कीड़े, छिपकली, चूहे, खटमल, कॉकरोच, कोई भी इंसेक्ट्स हो, आप बहुत ही आसान तरीके से उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंपल से तरीके को कैसे तैयार करना है। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बिल्कुल गर्म पानी ले लेना है, यानी बॉइलिंग वाटर आपको यहाँ पर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल उबलता हुआ, खौलता हुआ पानी इसके लिए लिया है। अब इसके अंदर हमें कुछ चीजें ऐड करनी है। सबसे पहली चीज जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है कपूर। कपूर की जो खुशबू होती है उससे सभी तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं, सभी तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं, चाहे वो मच्छर हो, छिपकली हो, चूहे हो, कॉकरोचेस हो, बहुत ही जल्दी दूर भागते हैं। तो इस रेमेडी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो कपूर है। इसकी जो खुशबू है उससे सभी तरह के जो कीड़े मकोड़े हैं वो दूर भाग जाते हैं। तो आपको यहाँ पर पूजा वाला कपूर लेना है जो कि आप पूजा में नॉर्मली यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर ली है लगभग 8 टिकिया कपूर की ली है मैंने। अब इसको हमने अच्छे तरीके से पीस करके इसका पाउडर तैयार कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसका पाउडर तैयार कर लिया है। अब इस पाउडर को हम गर्म पानी में मिला देंगे। अच्छे तरीके से आपको इसे मिक्स कर लेना है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें इसमें ऐड करना है वो है विनेगर, यानी सिरका। आपको व्हाइट विनेगर ऐड करना है जो कि हमारे घर में, किचन में अवेलेबल होता ही है। तो इसमें हम लगभग आधी कटोरी विनेगर ऐड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने आधी कटोरी विनेगर यानी व्हाइट सिरका इसमें ऐड करा है। आपको व्हाइट सिरका ही लेना है इसके लिए, कोई भी और विनेगर आपको नहीं लेना है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं वो है नमक, यानी सॉल्ट, सफेद नमक जो कि हमारी किचन का एक मेन इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। दोस्तों, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं यूज कर रही हूँ वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप यूज करिए और नहीं है तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ सेवलॉन, ये बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। और दूसरी चीज, इसे जो हम लिक्विड बना रहे हैं उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होगी और ये ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करेगा। अगर आपके पास डेटोल है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो सेवलॉन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच इसमें सेवलॉन ऐड कर रही हूँ। बस इन सभी चीजों को आप अच्छे तरीके से चला करके मिक्स कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि सभी इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस तरह से हमारा जो ये लिक्विड है ये बन करके बिल्कुल तैयार है। इसको आप किसी भी पुरानी बॉटल में भर करके रख लीजिए। तो आप जानते हैं इसको आपने यूज कैसे करना है। दोस्तों, जब भी आप पोछा लगाते हैं, पोछे के पानी में आप 3 से 4 ढक्कन इस लिक्विड को मिला दीजिए और इससे पूरे घर में पोछा लगाइए। इससे आपका फ्लोर भी अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा, जर्म्स फ्री हो जाएगा, साथ ही इंसेक्ट से भी बचाव होगा। यानी अगर आपके घर में मच्छर, मक्खियां, लाल कीड़े, चूहे, कॉकरोचेस, इन सभी की प्रॉब्लम है तो वो भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा और नेचुरल तरीका है अपने घर को जर्म्स फ्री रखने का, इंसेक्ट फ्री रखने का। इसको आप ज्यादा क्वांटिटी में बना करके स्टोर करिए, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होता और महीने भर तक के लिए आप इसको बना करके स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आई है तो मुझसे अपने एक्सपीरियंस से जरूर शेयर करिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।